हिमाचल प्रदेश के ऊना में ऑनलाइन ठगी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो मासूम लोगों को ऑनलाइन तरीके से बीमा पॉलिसी में ज्यादा फायदे का लालच देकर ऑनलाइन ठगी का शिकार बनाता था। ऊना पुलिस ने देश की राजधानी दिल्ली से इस गिरोह के दो लोगों को गिरफ्तार किया है। हिमाचल प्रदेश के ऊना में ऑनलाइन ठगी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो मासूम लोगों को ऑनलाइन तरीका बीमा पॉलिसी में ज्यादा फायदे का लालच देकर ऑनलाइन ठगी का शिकार बनाता था। ऊना पुलिस ने देश की राजधानी दिल्ली से इस गिरोह के दो लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बीमा पॉलिसी के ऑनलाइन ठगी द्वारा लगभग 27 लाख रुपए ठगे जाने के एक मामले में ये गिरफ्तारी की है। पुलिस की माने तो ये गिरोह बेहद शातिर तरीके से मासूम और निर्दोष लोगों को अपनी ऑनलाइन ठगी का शिकार बनाता था। ये ऐसे लोगों को अपने जाल में फंसाता था जो पढ़े लिखे तो होते थे लेकिन उन्हें इंटरनेट या ऑनलाइन की अधिक जानकारी नहीं होती थी और जो आसानी से उनके बिछाए जाल में फंस सके। पुलिस की माने तो ये गिरोह देश की राजधानी दिल्ली से संचालित किया जाता था। पुलिस के अनुसार ये गिरोह फर्जी डॉक्यूमेंट के माध्यम से खुलवाए गए बैंक अकाउंट का प्रयोग किया करता था और शिकार लोगों द्वारा उसमें पैसा जमा करवाने के बाद अलग अलग स्थानों से एटीएम के माध्यम से गिरोह के अलग अलग लोग उसे निकालते थे, जबकि कभी कभी गिरोह के लोग पैसा निकलवाने के लिए चेक का भी प्रयोग किया करते थे। पुलिस ने अपनी जांच में पाया कि ये सारे बैंक अकाउंट जाली दस्तावेज के आधार पर खुलवाए गए हैं और इन दस्तावेजों में प्रयोग किए गए तमाम नाम और पते फर्जी निकले हैं। फिलहाल पुलिस ने दिल्ली के सीमापुरी और पहाड़गंज से गिरोह के दो लोगों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस का ये भी दावा है कि इस मामले में अभी और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। हालांकि ये जांच में स्पष्ट होगा कि जो दो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं उनमें गिरोह का मास्टरमाइंड भी शामिल है या फिर मास्टरमाइंड अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस थाना गगरेट में 19 जून को एक ऑनलाइन ठगी से संबंधित एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसमें शिकायतकर्ता ने तकरीबन 26,80,000 रुपया ऑनलाइन ठगी के थ्रू जो उसके साथ ठगा गया है। मैटर ये था कि जो शिकायतकर्ता है उसने कोई इंश्योरेंस पॉलिसीज ले रखी थी, जेन्युइन इंश्योरेंस पॉलिसीज थी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये जो एक्यूज्ड हैं ये समहाउ कहीं से डाटा चुरा के कॉलर करते हैं उसको और पूछते हैं कि आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी जो बंद हो गई है तो अगर आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपको और ज़्यादा बेनिफिट दिए जाएंगे। तो इस झांसे में आके शिकायतकर्ता ने कई बार अलग अलग बैंक अकाउंट्स में पैसे जमा करवाए और इस तरह से उसको ठगी का शिकार हुआ। वो बेसिकली ये पूरा एक रैकेट है जो नोएडा, गाजियाबाद और दिल्ली के कुछ एक इलाकों में ऑपरेट करता है। इसमें काफ़ी सारे लोग जो वो इन्वॉल्व होते हैं। चेन इसकी ऐसे बनी होती है कि एक आदमी के नाम पे ये बैंक अकाउंट्स खोलते हैं अलग अलग बैंक्स में, फेक डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, फेक एड्रेस के ऊपर। उसके बाद जब विक्टिम जो है वो अकाउंट में पैसे डालता है, जब वो ठगी का शिकार होता है, तो जो पैसे लेने जाता है वो व्यक्ति उस सिस्टम का और पार्ट होता है। आइदर वो थ्रू चेक के थ्रू पेमेंट लेता है बैंक में जाके, या मोस्टली वो एटीएम से ही विड्रॉल करता है। और जब हम एटीएम की जांच पड़ताल करते हैं तो एटीएम्स की लोकेशंस अलग अलग जगह की होती है। तो ये जो गैंग है पूरी जो ऑनलाइन ठगी में एक्सपर्ट है, इनके पूरा हायरार्की बनी हुई है, किस व्यक्ति का क्या रोल है ये पूरा डिजाइंड है उसमें। अभी तक पुलिस ने, क्योंकि इस केस में पुलिस ने 19 जून को ये केस दर्ज हुआ था और पुलिस ने बहुत ही फास्ट वे में इसमें साइबर एनालिसिस करके, बैंक अकाउंट की डिटेल करके, टेक्निकल इनपुट के आधार पे पुलिस ने 20-22 दिन में इस गैंग को बस्ट किया है। और ऊना में ये पहली तरह का ऐसा मामला है जिसमें पुलिस ने इतनी फास्ट इन्वेस्टिगेशन करके दो मुलजिम को, पुलिस ने एक एक्यूज्ड को सीमापुरी से दिल्ली से अरेस्ट किया और दूसरे को जो है वो पहाड़गंज दिल्ली से अरेस्ट किया है। और आगे भी हम इस चेन को ओपन करेंगे और इसमें और भी दो तीन गिरफ्तारियां और हो सकती हैं। देखिए अभी इसमें दो या तीन व्यक्ति और गिरफ्तार हो सकते हैं, उनका क्या रोल है ये अभी इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। लेकिन जो अभी इनमें से एक जो व्यक्ति हमने गिरफ्तार किया है उस व्यक्ति के नाम पे दो अकाउंट्स हैं दो अलग अलग बैंक्स में, और जो दूसरा व्यक्ति है वो बेसिकली पैसा विड्रॉ करने जाता था
और अलग अलग बैंकों में जाता था। तो इनका रोल अभी तक ये आया है। अभी इसमें कितने व्यक्ति और शामिल हो सकते हैं वो अभी इन्वेस्टिगेशन में आगे पता चलेगा। कार्यक्रम में एक बार फिर वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का ही, मिलते हैं ब्रेक के बाद।